तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं केस स्टडी क्लास 9 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों आप लोगों ने कर लिया होगा केस स्टडी लाइंस एंड एंगल्स पे, क्लास 9 की बात कर रहे हैं हम। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कर रहे हैं डीपीएस मथुरा रोड के वीकली टेस्ट का पेपर नंबर 2 की केस स्टडी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 से 31 था। पिछले वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 31 जो कि था केस स्टडी 3, और अब हम कर रहे हैं केस स्टडी 2 जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैं हमेशा बोलता हूं इस केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इस वीडियो कर लीजिएगा पॉज और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने आंसर्स कि आपके आंसर्स क्या हैं, पार्ट ए में क्या आंसर है, पार्ट बी में क्या है, सो ऑन, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका केस स्टडी का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क डे एंड नाइट टू सेव लाइव्स, इसमें कोई शक नहीं है। द मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल डिसाइडेड टू मेक अ रूल रिगार्डिंग द पेमेंट टू बी मेड टू द डॉक्टर फॉर देयर हार्ड वर्क। द रूल इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट 5 hours द डॉक्टर गेट्स ₹10,000 एंड फॉर एवरी एक्स्ट्रा आवर ऑफ द वर्क ही और शी विल गेट ₹500। If a doctor works for X hours, the total amount paid to doctor for one day is rupees Y. Then, based on the above information, answer the following questions. तो आइए दोस्तों पहले इन्फो लिख लेते हैं। इन्फो क्या है? For first 5 hours, the doctor gets ₹10,000. And for extra hour of work, he or she will get ₹500. Okay. If a doctor work for X hours, the total amount paid to the doctor is rupees Y. तो दोस्तों यूँ समझते हैं कि ये आपके पास X hours का जॉब है और उसमें पहले 5 घंटे जो फर्स्ट 5 hours हैं उसमें आपको ₹10,000 डॉक्टर को पेमेंट करना है, और जो रिमेनिंग आवर्स हैं तो रिमेनिंग आवर्स हो गए x-5, उसमें ₹500 पर आवर, गॉट इट। और जो टोटल अमाउंट पे हुआ है वो पे हुआ है ₹Y, गॉट इट, क्लियर। इसका मतलब y इज टोटल अमाउंट पेड और पहले 5 hours के ₹10,000 मिल रहे हैं, और जो आवर्स बच गए क्योंकि x आवर्स की जॉब हुई है तो उसके लिए मिल रहे हैं ₹500, गॉट इट। सो ये आपकी इक्वेशन बन रही है। तो यदि इसको हम सॉल्व करें तो बनेगी y इज इक्वल टू 10,000 प्लस 500x माइनस 2500, यानी y इज इक्वल टू 500x प्लस 7500। तो इक्वेशन बन गई 500x माइनस y प्लस 7500 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द अबव सिचुएशन इज। तो दोस्तों हमारी ये इक्वेशन बनी थी तो यहां लिख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका आंसर है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 3 है। दूसरा पार्ट है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड इज। तो ये वाली इक्वेशन बनी थी, आइए चेक कर लेते हैं। 500x माइनस y प्लस 7500 इज इक्वल टू 0। तो इसका हो गया ये पार्ट नंबर 2। तो बी पार्ट का पार्ट 2 आंसर है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। सी जो पार्ट है, द शेप ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज लाइन, सर्कल, पैराबोला, पॉलीगन। तो आंसर इज लाइन। सी पार्ट का आंसर है फर्स्ट,
फिर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म्ड इज 1, 2 इनफाइनाइट नन। एक लीनियर इक्वेशन जब टू वेरिएबल बनती है तो आंसर इनफाइनाइट आते हैं। तो ये हो गया 3। वैसे तो 4 पार्ट करने होते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में यदि 5 पार्ट है ना, हम फिफ्थ भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ डॉक्टर वर्क फॉर 8 आवर्स द अमाउंट पेड टू द डॉक्टर इज। ओके, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हमने एक्स आवर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन बनाई थी वो ये बनाई थी। ओके, सो उससे जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी ये वाली, दैट इज 500x माइनस y प्लस 7500 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज आवर्स एंड y इज अ टोटल अमाउंट। ओके, टोटल अमाउंट। अब यहां कह रहा है x आपका 8 आवर्स है, तो यानी 500 इंटू 8 माइनस y प्लस 7500, ये हो गया 4000 प्लस 7500 इज 11500 माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई 11500। तो ऑप्शन तो ये रही। इसको चेक भी कर लेते हैं इस तरीके से, यदि 5 घंटे के आपके फिक्स अमाउंट था 10,000 और रिमेनिंग आवर्स आ रहे हैं आपके 3 और उसके थे इंटू 500 विच इज 1500, तो टोटल अमाउंट बन रहा है 11,500। तो यानी जो डी पार्ट है, यानी जो ई पार्ट है, उसका आंसर आ रहा है फर्स्ट। तो दोस्तों ये इस केस स्टडी के आंसर्स हैं जो हमने अभी यहाँ करे हैं, और ये सारे आपके आंसर्स हमने लिख दिए हैं। आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए और हमें बताइए आपके कितने ठीक हैं। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए और आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और इस वीडियो सीरीज को आगे देखते रहिए हमारे चैनल AVT पर।